यस ऑल ऑफ यू। सो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे इंडेक्स नंबर। आपने दो वीडियो देखे होंगे इंडेक्स नंबर के, जिसमें हम लोगों ने इंडेक्स नंबर के दो टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन किया है। आज हमारा ये फुल एंड फाइनल टॉपिक है इंडेक्स नंबर, एंड आई अश्योर यू आफ्टर दिस टॉपिक आपको इंडेक्स नंबर अच्छा खासा आ जाएगा, एकदम कम्प्लीटली परफेक्टली आ जाएगा। फिर भी आपके डाउट्स वगैरह सब हम इजिली लेंगे। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट्स होगा, कोई भी क्वेश्चन होंगे, आप मेरे YouTube लिंक के अंदर आप कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए। आपको जो जो इश्यूज होंगे, मैं कोशिश करूंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपके सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। सो कमिंग टू माय लास्ट टॉपिक ऑफ इंडेक्स नंबर, दैट इज वेरियस डिफरेंट मेथड्स और इंडेक्स नंबर सॉल्व करने के, और कौन से मेथड्स होते हैं। इंडेक्स नंबर सॉल्व करने के तीन मेथड्स होते हैं। फर्स्ट इज इंडेक्स नंबर ऑफ लास्ट पेज, सेकेंड इज इंडेक्स नंबर ऑफ पाशेज, एंड थर्ड इज इंडेक्स नंबर ऑफ फिशर। तीन इंडेक्स नंबर होते हैं, इंडेक्स नंबर ऑफ लास्ट पेज, इंडेक्स नंबर ऑफ पाशेज, इंडेक्स नंबर ऑफ फिशर। इन तीन लोगों ने अपने डिफरेंट डिफरेंट असम्पशंस के बेसिस पे अपने अलग अलग फॉर्मुलेस दिए इंडेक्स नंबर के। जैसे कि लास्ट पेज ने कहा है कि इंडेक्स नंबर जब भी लिया जाए तब हमेशा हमेशा बेस प्राइस को लिया जाए। उसने कहा है कि बेस प्राइस नहीं, क्वांटिटी को बेस लिया जाए। तो उसने हमेशा बेस ईयर की क्वांटिटी ली है। बेस ईयर की क्वांटिटी को उसने अपना फॉर्मूले का सबसे मेन मोटिव माना है कि हम क्वांटिटी बेस ईयर की लेंगे। जबकि पाशेस कहता है नहीं भैया, गलत बात है, क्वांटिटी बेस ईयर की नहीं चलेगी, आपको क्वांटिटी करंट ईयर की लेनी पड़ेगी। यू हैव टू टेक क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, आपको करंट ईयर की क्वांटिटी लेनी पड़ेगी। इसलिए लास्ट पेज ने क्या किया है, अपने फॉर्मूले में क्वांटिटी को हमेशा जीरो रखा है, मतलब बेस ईयर की रखा है। इसलिए देखो उसका फॉर्मूला क्या हो रहा है। अगर आप लास्ट पेज के फॉर्मूले को देखोगे तो उसका फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल है, दैट प्राइस तो फ्लक्चुएट होगी, प्राइस ऑफ करंट ईयर, प्राइस ऑफ बेस ईयर, प्राइस तो चेंज होगी, बट उसने दोनों में क्वांटिटी को बेस ईयर लिया है। उसने क्वांटिटी को बेस ईयर की लिया है, उसने क्वांटिटी पुराने लिए नहीं, क्वांटिटी नहीं ली है। जबकि पाशेस कहता है कि चलो प्राइस फ्लक्चुएशन तो होना चाहिए, इंडेक्स नंबर इसलिए, बट हम करंट ईयर की क्वांटिटी को इंपॉर्टेंस देंगे, बेस ईयर की क्वांटिटी से कुछ भी लेना देना नहीं है। सो लास्ट पेज कह रहा है बेस ईयर, पाशेस कह रहा है करंट ईयर। फिशर्स ने कहा झगड़ो मत यार, झगड़ो मत, तू भी सही है, तू भी सही है। बेस क्वांटिटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, करंट क्वांटिटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, सो लेट अस डू अ थिंग, हम दोनों ले लेते हैं। तो फिशर ने क्या किया, उसने कुछ नहीं किया, ही वॉज अ वेरी स्मार्ट मैन, राइट। तो उसने क्या किया, बोलते ना दो बिल्ली के झगड़े में बंदर रोटी खा गया, वैसी वाली बात हो जाती है। ये दोनों झगड़ते रह गए, क्वांटिटी बेस क्वांटिटी करंट, क्वांटिटी बेस क्वांटिटी करंट। और फिशर ने क्या किया, दोनों के इंडेक्स नंबर को रूट कर दिया, कुछ नहीं किया। रूट करने से क्या हो गया, उसमें लास्ट पेज की बेस क्वांटिटी भी आ गई और उसमें पाशेस की करंट क्वांटिटी भी आ गई। तो उसने दोनों क्वांटिटी को इंपॉर्टेंस दे दिया और टोटल आंसर पे रूट लगा दिया। मतलब एक तरह से उसके फॉर्मूले में P1Q0/P0Q0, मतलब बेस क्वांटिटी भी आ गई, P1Q1/P0Q1 करंट क्वांटिटी भी आ गई। तो उसका फॉर्मूला परफेक्ट सेट हो गया, बेस को भी इंपॉर्टेंस दे दिया उसने, करंट को भी इंपॉर्टेंस दे दिया। इसलिए फिशर के फॉर्मूले को आइडियल इंडेक्स नंबर कहा जाता है, फिशर के फॉर्मूले को आइडियल इंडेक्स नंबर कहा जाता है, क्योंकि ये इंडेक्स नंबर परफेक्ट है। इन दोनों के कंपैरिजन में फिशर का इंडेक्स नंबर परफेक्ट है। और भी बहुत इंडेक्स नंबर्स होते हैं आपके बुक्स में, इतना सा लिमिटेड किया, देयर आर मोर, बट इन तीनों में अगर हम कंपेयर करेंगे तो फिशर के इंडेक्स नंबर को सबसे आइडियल माना जाता है, क्योंकि उसमें करंट और बेस दोनों क्वांटिटीज को इंपॉर्टेंस दिया गया है, राइट। सो मैं चाहूंगा आप इस फॉर्मूले को कॉपी करते रहे, साथ साथ में आई ऑलवेज यूज टू से स्क्रीनशॉट लेना, आलसी और लोगों का काम होता है। कीप मेकिंग रनिंग नोट्स, रनिंग नोट्स बनाइए, लिखते रहिए मेरे साथ साथ में, पॉज करते रहिए वीडियो को, कॉपी करते रहिए, दैट वुड मेक इट मोर इफेक्टिव। आपको फॉर्मुलेस भी याद होंगे, प्रैक्टिस भी अच्छी होगी, राइट इनफ। सो मैंने अभी आपको तीन मेथड्स बताए, इंडेक्स नंबर ऑफ लास्ट पेज, इंडेक्स नंबर ऑफ पाशेज, इंडेक्स नंबर ऑफ फिशर। अब आफ्टर दिस वन एक छोटा सा सम मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा और वो क्वेश्चन आपकी सब प्रॉब्लम दूर कर देगा। एक छोटा सा क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करेंगे तो वो क्वेश्चन आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा। मेरे हिसाब से आपको हर पर्टिकुलर चीज यहाँ पे आ ही जानी है। सो मैंने आपके लिए क्वेश्चन पहले से लिख के रखा है, टाइम वेस्ट कम हमारे इसके लिए। सो मैंने एक क्वेश्चन पहले से आपको बुक के अंदर दे दिया है कि हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हमें इस क्वेश्चन का आंसर निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। फाइन इनफ, स्टार्ट बढ़ करेंगे। मैंने आपको चार चीजें क्वेश्चन में मेंशन की है, फर्स्ट इज P1, सेकंड इज P0, थर्ड इज Q1 एंड फोर्थ इज Q0। हमारे पास चार इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, P1, P0, Q1, Q0। इन चारों इन्फॉर्मेशन से हम हमारे फॉर्मूले को आगे कैरी ऑन करने वाले हैं। P1 में हमें दे रखा है कि हमारे पास प्राइस 40 है। P1 मतलब हो जाता है करंट प्राइसेस, हाँ आपके लिए वापस से रिपीट कर रहा हूँ, P1 मतलब करंट प्राइसेस, P0 मतलब बेस प्राइसेस, वापस से Q1 मतलब करंट क्वांटिटी एंड Q0 मतलब बेस क्वांटिटी। तो ये याद रहना चाहिए आपको, P1, Q1, P0, Q0, करंट बेस, 0 मतलब बेस हो जाता है, 1 मतलब करंट हो जाता है।
So P1 denotes current prices, P0 denotes base prices, Q1 denotes current quantity, Q0 denotes base quantity. मैंने पूरा क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे कॉपी कर दिया है. अब हमें क्या करना है, हमें हमारे तीनों फॉर्मूले के लिए रॉ मटेरियल रेडी करना है, राइट. तीनों फॉर्मूले के लिए रॉ मटेरियल रेडी करना है मतलब हमें निकालना पड़ेगा सबसे पहले तीनों फॉर्मूले में जो जो चाहिएगा. पहला हमें चाहिएगा P1 Q0, दूसरा चाहिएगा P0 Q0, देन P1 Q1 एंड P0 Q1, राइट. हमें चार चीजें चाहिएगी, P1 Q0 P0 Q0, देन P1 Q1 एंड P0 Q1. हमें चारों चीजें चाहिए जो हमें निकालनी पड़ेगी. हम सॉल्व करेंगे फटाफट. P1 Q0 में हमें P1 और Q0 को मल्टीप्लाई करके लिखते रहना है. P1 Q0 में हम P1 और Q0 को मतलब 40 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 40, राइट. दोनों को सिर्फ दोनों कॉलम को आपको मल्टीप्लाई करना है. अगेन नेक्स्ट वन 44 मल्टीप्लाई बाय 12 इट्स 528, 50 मल्टीप्लाई बाय 2 इट्स 100 एंड 36 मल्टीप्लाई बाय 2 इट्स 72. What we did, we multiplied both the columns, P1 और Q0 के एक एक अमाउंट को हम मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं, तो आ जाएगा P1 Q0. सेकेंड होता है P0 Q0. P0 Q0 में हम P0 वाला मतलब that is 39 एंड Q0 वाला that is 1, हम 39 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, that would be 39. The next one is 40 and 12 goes to 480. The next one 45 and 2 goes to 90. And the next one 30 and 2 goes to 60. Okay, so हमने P0 Q0 दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई किया, हमारे चारों फिगर्स आ गई है. नेक्स्ट कॉलम के लिए P1 और Q1 को मल्टीप्लाई करना है. हमारा P1 है 40, हमारा Q1 है 1.5, तो आंसर आएगा 60. Then again 44 into 10 440. Then again 50 into 1.5 75. Then 36 into 1.5 54. We multiplied all of them and the last column हमें मल्टीप्लाई करना है P0 और Q1 को. P0 है 39, Q1 है 1.5. पॉइंट में आंसर आएगा 58.5. नेक्स्ट में आने वाला है 400, उसके बाद में 67.5 एंड द लास्ट वन इज 45. सो व्हाट वी डिड, हम लोगों ने चारों कॉलम की वैल्यूज निकाला, चारों का समेशन करते हैं. P1 Q0 का आएगा 740, P0 Q0 का आएगा 669, P1 Q1 का आएगा 629 एंड द लास्ट वन P0 Q1 का आने वाला है 571. ये मेरा टेबल कंप्लीट हुआ, बड़ा ही सिंपल था. मैंने क्या किया है, तीनों चारों फॉर्मूले के जो भी रॉ मटेरियल मेरे को चाहिए, मैंने पहले रॉ मटेरियल रेडी किया. हमने ऑब्जर्व किया कि इन चारों फॉर्मूले में आपको खाली चार कॉलम्स बनाने पड़ेंगे. पहला P1 Q0, दूसरा P0 Q0, तीसरा P1 Q1 एंड चौथा P0 Q1. हमने चारों कॉलम्स बना लिए, चारों को मल्टीप्लाई किया, टोटल निकाला, हमारे पास हमारा रॉ मटेरियल रेडी हो गया. अब हमें खाली इन वैल्यूज को हमारे फॉर्मूले में पुट ऑन करना है. हमारा सबसे पहला फॉर्मूला है IL. मैंने कहा था याद रखना, IL मतलब लास्ट बेस. लास्ट बेस कहता है बेस क्वांटिटी. तो आपका फॉर्मूला होगा सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इनटू 100 बेस क्वांटिटी. IP पाशेस कहता है करंट क्वांटिटी. तो सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इनटू 100. तो लास्ट बेस में मैंने लिया है बेस, पाशेस में मैंने लिया है करंट. ओके फाइन, चलिए P1 Q0 का टोटल कितना है, सिग्मा मीन सम, राइट. सो P1 Q0 का सम है 740, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 740. और P0 Q0 का सम आ रहा है 669, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 669 इंटू 100. याद रखना सिग्मा मतलब होता है सम, तो सम हो गया 740 अपॉन 669 इंटू 100. तो मेरा आंसर आ जाएगा 110.61 अप्रोक्सीमेटली राउंडेड अप टू नियरेस्ट, राइट. सो 110.61 ये मेरा आंसर आ गया इंडेक्स नंबर ऑफ लास्ट बेस का. वैसे पाशेस का निकालेंगे, पाशेस में मुझे चाहिए P1 Q1, तो P1 Q1 मेरा आया हुआ है 629 और P0 Q1 वो मेरा आया हुआ है 571 इंटू 100. अगर मैं कर दूंगा तो मेरा आंसर हो जाएगा 110.16. क्या बात है, एक का आया 110.61, एक का आया 110.16, राइट. अब हमें IL मिल गया, IB मिल गया, IL मिल गया. तो IF के लिए पूरा फॉर्मूला पुट ऑन मत करो, दोनों को मल्टीप्लाई करके सीधा रूट लगा दो. हमारे पास दो फॉर्मूले थे, राइट. आप चाहो तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके रूट लगा दो फर्स्ट वन, आप चाहो तो पूरा का पूरा फॉर्मूला पुट करो. बट ये क्यों करने का, व्हेन वी हैव ऑलरेडी फाउंडेड IL एंड IP, तो डायरेक्टली IL IP का रूट कर देंगे हम लोग. तो हमारा फाइनल फॉर्मूला होता है रूट ऑफ IL इंटू IP और कुछ नहीं, खाली IL IP का रूट, जहां पे IL था 110.61, IP था 110.16, दोनों का रूट करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा 110.38.
दिस इज माई फाइनल आंसर फॉर इंडेक्स नंबर ऑफ फिशर, आइडियल इंडेक्स नंबर, राइट? फिशर्स इंडेक्स नंबर इज द आइडियल इंडेक्स नंबर, अ वेरी सिंपल वन, राइट गाइस? अ वेरी सिंपल वन. हमने निकाला इंडेक्स नंबर ऑफ लास्ट पेज, हमने निकाला इंडेक्स नंबर ऑफ पाशेज, हमने निकाला इंडेक्स नंबर ऑफ फिशर. ये बड़ा सिंपल था. एक चीज ध्यान रखना, इंडेक्स नंबर ये इजी क्यों था, क्योंकि यहाँ पे यूनिट्स नहीं थे, देयर वर नो यूनिट्स. हमें नहीं पता ये क्वांटिटी किलो में है कि लीटर में है, हमें नहीं पता ये मीटर में है कि क्या है, हमें यूनिट्स नहीं पता था. तो हमें कुछ नहीं किया, हमने सीधा सीधा का सीधा फॉर्मूले में वैल्यूज पुट किया, हमने आंसर्स निकाल लिया. बट कॉम्प्लेक्सिटीज आएगी, कंफ्यूजन आएंगे, एग्जाम में इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा. वो आपको क्वांटिटीज देंगे एग्जाम में, और जब अगर वो क्वांटिटीज देंगे तो उन क्वांटिटीज को आपको इक्वेट करना पड़ता है. याद रखना, हमेशा से सम बराबरी वालों में होता है. अगर एक केजी है तो दूसरा भी केजी होना चाहिए, एक ग्राम तो दूसरा भी ग्राम होना चाहिए. डोंट वरी, मैंने उसके लिए भी आपके लिए क्वेश्चन प्रिपेयर किया है. सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है. मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो आपके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है. आपको आपकी स्क्रीन पे पूरा क्वेश्चन दिखना चाहिए अच्छे से. अब यहाँ पे मैंने क्वांटिटीज को इंपॉर्टेंस दिया है, यहाँ पे मैंने क्वांटिटीज लिखी है, जिससे कि हमें क्वांटिटीज को इक्वेट करना समझना है, कि हमें क्वांटिटीज को इक्वेट कैसे करना है वो हमें पता चलता रहे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्वांटिटीज को लेके है, इसलिए फोकस करना. एग्जाम में ये क्वेश्चन के आने की ज्यादा प्रोबेबिलिटीज है. बाकी क्वेश्चन आए नहीं है, पेपर इजी होगा तो आएंगे. बाकी अगर एक नॉर्मल एवरेज पेपर होगा देन दिस क्वेश्चन इज 100% वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स. ओके, अब मैं क्यों इसको इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, फोकस करना. यहाँ पे आइटम्स का कॉलम है, वो रिडंडेंट है, उसका कुछ काम नहीं है, बट यूनिट का कॉलम है, वो इंपॉर्टेंट है. हमें आइटम ए में यूनिट दे रखा है 20 kg. अब ये 20 kg यूनिट क्या कहता है, ये 20 kg यूनिट कहता है कि आपके पास जो प्राइजेस है वो प्राइजेस आपके पास 20 kg की है, 1 kg की नहीं है, आपके पास प्राइजेस 20 kg की है. तो अब अगर आप इस सीधा का सीधा 300 को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो वो 5 kg का प्राइस नहीं निकलेगा, वो निकलेगा 100 kg का प्राइस, क्योंकि ये ऑलरेडी 20 kg का प्राइस है. सो 20 × 5 करोगे तो आपको 100 kg का प्राइस मिल जाएगा, जो गलत हो जाएगा. तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं. आइदर आप प्राइजेस को 1 kg पे लेके आ जाओ, आइदर आप क्वांटिटी को हमारे यूनिट्स पे लेके आ जाओ. मैं दोनों बताऊंगा, इसमें दोनों क्वेश्चन आएंगे. देखो फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, मैं आपके लिए एक छोटा सा वर्किंग रेडी करता हूं. ओके, फर्स्ट केस में क्या होता है, ध्यान देंगे यहाँ पे. इन द फर्स्ट केस हमारे 20 kg की प्राइसेस हमें दे रखा है 300. मैं P0 की बात कर रहा हूं, प्राइस ऑफ 2015 की. 20 kg की प्राइस है 300 रुपए. भैया हमें तो 1 kg की चाहिए, तो जब 20 kg की 300, तो 1 kg की प्राइस कितनी, क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट इज 300 × 1/20, या डायरेक्टली आप डिवाइड कर लो तो भी हमारा आंसर आ जाएगा. सो 300 / 20, मतलब मेरा सीधा आंसर आ गया 15. शॉर्ट 1 kg की प्राइस मुझे मिल गई है 15. सो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले मेरी 20 kg की जो प्राइस थी उसको मैंने 1 kg में कन्वर्ट किया, मतलब मेरा P1 का फिगर आएगा, P0 का A आइटम का फिगर आएगा मेरा 15. मतलब मेरा प्राइस ऑफ ए आइटम इन बेस ईयर 2015 हम 300 नहीं लिखेंगे, हम 300 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 15, क्योंकि हमें 1 kg का चाहिए, वी नीड फॉर 1 kg. तो हम हर इंफॉर्मेशन को एक पे, 1 के यूनिट पे कन्वर्ट करेंगे, ना 5 ना 10, हमें 1 पे चाहिए. 1 kg, 1 kg, या 1 gram, या 1 liter, या 1 dozen, या 1 piece, एवरीथिंग मस्ट बी ऑन 1 यूनिट पे आना चाहिए. ठीक है, नीचे में देखो, अब नीचे हमें दे रखा आइटम बी के अंदर क्विंटल, हमें दे रखा क्विंटल. क्विंटल का मतलब होता है 100 kg. मतलब वापस से जो प्राइस दिख रहा है आपको 500, ये जो आपको यहाँ पे प्राइस दिख रहा है 500, ये 500 का प्राइस 100 kg का है, और यहाँ पे सब 10 kg में है, यहाँ पे 15 kg में है, तो 100 kg नहीं चाहिए हमें, तो 1 kg पे चाहिए. तो हम वापस से 500 को डिवाइड बाय 100 कर देंगे, मतलब 1 kg की प्राइस मुझे मिल गई 5. तो मेरा P0 का आइटम बी का अमाउंट आ जाएगा, दैट इज 5 rupees. वैसे ही सी देखो, सी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, जो मैंने सेकंड कहा था. सी में मेरे पास यहाँ पे है kg, दैट इज फाइन, बट मेरे पास क्वांटिटी में है ग्राम्स. भैया वो 1 kg वो समझ में आ गई, 1 के यूनिट पे कोई टेंशन नहीं है, बट क्वांटिटी मेरे पास ग्राम्स में है. तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, सर प्राइस तो किलो पे ही है, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं. आइदर आप उस प्राइस को 100 grams पे लेके आ जाओ, क्योंकि सब 100 की क्वांटिटी में, या प्राइस को 1 gram पे लेके आ जाओ, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर तो चलेगा, बट प्राइस को 1 gram पे लिखना वुड बी 0.06, मजा नहीं आएगा कैलकुलेशन में. मैं रिकमेंड करूंगा क्वांटिटी को चेंज कर दो. ये क्वांटिटी कितना है, 1200 ग्राम, तो मैं क्या 1200 ग्राम को 1.2 kg बोल सकता हूँ, ऑफ कोर्स बोल सकता हूँ. तो मैं सी में जाके मेरी क्वांटिटी चेंज कर दूंगा, सी के अंदर मेरी क्वांटिटी बेस ईयर की हो जाएगी 1.2
1.2 kg, वैसे क्वांटिटी करंट ईयर की दे रखी है 200 ग्राम, तो उस क्वांटिटी को 200 ग्राम की जगह मैं कर दूंगा 2 किलो, तो मैंने क्वांटिटी करंट ईयर की कर दी है 2 kg, राइट। हमें तो यूनिट सेम करना है ना, अगर 1 kg यहाँ पे तो सब केजी में चाहिए, मैंने ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट कर दिया, इट विल डू 100% परफेक्ट है। ये भी गलत है ना, अगर आप प्राइसेस को डिवाइड बाय 1000 करके उसको ग्राम्स में लाओगे तो भी आपका आंसर सही आएगा, बट मुझे बड़ा वो कैलकुलेशन घटिया लगता है, इसलिए मैंने वो नहीं किया, मैंने इसको कर दिया, ये बड़ा सिंपल लगेगा, राइट। अगर आप उसको ग्राम्स में करके 0.06 के साथ में करके करोगे तो भी आपका आंसर परफेक्ट आएगा, डोंट वरी। सो इस केस में मैंने प्राइसेस चेंज नहीं किए, इस केस में मैंने क्वांटिटी को चेंज किया है, इन दिस केस आई हैव चेंज द क्वांटिटी। नेक्स्ट वन, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डी आइटम अगर हम देखते हैं तो हमारा आइटम है मीटर्स में। चलो भैया 1 मीटर की प्राइस और क्वांटिटी में मीटर में, डी में कुछ नहीं करना, डी परफेक्टली फाइन है, आपको डी को छेड़ना नहीं है। वापस एक आइटम ई देखेंगे तो ई में 1 लीटर का प्राइसेस दे रखा है और वहां पे भी 18 और 30 लीटर है, अगेन उसको भी हमें चेंज नहीं करना है, दैट इज ऑल्सो परफेक्टली फाइन, नो चेंजेस इन आइटम ई। आइटम एफ दे रखा डजन में, भैया 1 डजन है चलेगा, बट अगेन हमें क्वांटिटी दे दी है पीसेस में, and it is not possible to change the quantity. It is again not possible to change the quantity. Why? Point में आ जाएगा यार, क्यों लफड़ा रखे? Price करके देखते हैं, क्या price point में नहीं आ रहे हैं? हमें पता है कि 1 dozen, we know that 1 dozen is equal to 12 pieces. We know that 1 dozen is equal to 12 pieces. So let's check it out. हमारी 2015 की price है 30, तो हम 30 को सीधा 1 dozen, 1 piece पे लाए, मतलब 12 piece की price है 30 रुपए। तो अगर हम उसको पीस में कन्वर्ट करेंगे तो 2.5 होगा, ये भी पॉइंट में ही आ रहा है, तो आप कुछ भी कर सकते हो, राइट। अगेन 2016 का 36 से डिवाइड बाय 12 तो आंसर एग्जैक्टली 3 आ रहा है, तो मैंने एज यूजुअल प्राइस को चेंज करना प्रेफर किया, तो मेरा बेस प्राइस हो जाएगा 2.5, मेरा एफ का बेस प्राइस हो गया 2.5 और करंट प्राइस हो जाएगा मेरा 3। सर जो मैंने लिखा है ना, खाली मैंने वही फिगर चेंज किए, बाकी फिगर सेम है, तो मैं सेम टू सेम क्वेश्चन में से देख के कॉपी कर दूंगा, इसलिए मैंने बाकी को नहीं छेड़ा है, राइट। जो मैंने यहाँ किया है खाली मुझे वही चेंजेस करने हैं। आइटम ए और आइटम बी में करंट क्वांटिटी को भी चेंज कर देते हैं, करंट क्वांटिटी थी 440 डिवाइड बाय 20 तो हो जाएगा 22 और दूसरा था 700 डिवाइड बाय 100 तो हो जाएगा 7। सो मैंने ए और बी के अंदर प्राइसेस को चेंज किया, सी में मैंने क्वांटिटी को चेंज किया, डी और ई में नो चेंज उसे मत छेड़ो, और एफ के अंदर हमने वापस से प्राइसेस को चेंज किया। इस तरह से हमने क्या किया, हमने सबको 1 पे कन्वर्ट कर दिया। चलिए यहाँ ध्यान देंगे वापस से, तो हमने क्या किया, इससे हमने सबको 1 में कन्वर्ट कर दिया, मतलब ए हो जाएगा 1 केजी के अंदर, राइट। बी भी हमारा केजी में था, यस, बी भी हो जाएगा हमारा 1 केजी, सी भी हो जाएगा हमारा 1 केजी, डी 1 लीटर था, ई भी 1 लीटर था, उनको मत छेड़ो, और अब एफ हो जाएगा 1 पीस की प्राइस, एफ हो जाता है 1 पीस की प्राइस। अच्छा सॉरी, डी में मीटर आएगा, माय मिस्टेक, डी इज इन मीटर, तो उसको मीटर कर देते हैं, राइट। सो इन शॉर्ट डी मीटर में है, ई लीटर में है, और एफ 1 पीस में आ गया, 1 डजन को हमने 1 पीस में कन्वर्ट कर दिया। ध्यान देना, आपके मन में ही आएगा कि सर ये तो ऑलरेडी यूनिट में ही आपने इसको क्यों कन्वर्ट किया, तो इसको कन्वर्ट करने का एक ही रीजन है, हमारे पास क्वांटिटी पीसेस में दी हुई है। चलिए बाकी मैं सेम टू सेम लिखूंगा, मेरे पास P0 दिया हुआ है, मेरे पास P0 A का मैंने लिख दिया, A का मुझे Q0 लिखना है, that is quantity of base year, base year की quantity है मेरे पास, A की 5 और current year की 8, तो A की मैंने quantity लिखी 5, current year की मैंने लिखी 8, B की quantity है मेरे पास 10 और 15, तो मैंने B में लिखा 10 और 15, वैसे ही C के अंदर मुझे prices same लिखने, C में prices मेरी है 60 और 75, तो C में मैंने prices लिखा 60 और 75, D में कोई changes नहीं है, तो D में जैसा वैसे लिखूंगा, 14.25 और 15 मेरी प्राइसेस है, तो 14.25 और 15 था ना, हाँ 15 मेरी प्राइसेस है, और क्वांटिटी है मेरी 15 और 25, तो क्वांटिटी मेरी 15 और 25, ई के अंदर मेरी प्राइसेस थी 32 और 36, प्राइसेस 32 और 36, क्वांटिटी है मेरी 18 और 30, एंड एफ के अंदर हमने, भैया याद रखना, हमने प्राइस तो चेंज कर दी, हमें खाली क्वांटिटी लिखनी है, दैट इज 8 एंड 10 पीसेस। अब खत्म हो गया, जो मेन क्रूड था ना, मैंने जो क्रक्स था ना आपको बता दिया, अब खत्म हो गया, इसमें कुछ नहीं बचा है। आपको P0 दिया हुआ है, Q0 दिया हुआ है, P1 दिया हुआ है, Q1 दिया हुआ है, बस इधर तक अगर आप पहुंच गए ना सेफली, बिना कोई कारनामा किए, बिना कुछ मिस्टेक्स किए, तो आपका सम फिनिश है। यहाँ पे आपको 5 मार्क पूरे आएंगे, नो वन कैन डिडक्ट एनी पर्टिकुलर मार्क्स, बट डोंट कम इन ओवर कॉन्फिडेंस, से आगे कैलकुलेशन में जोश में गलती मत कर देना, ओके। सो अब हमारे पास P0 है करेक्टेड,
P1 corrected, Q0 corrected and Q1 corrected. हमने सबको 1 units पे लेके आ गए हैं, okay? So अब हमें वापस से तीनों formula लिखने हैं. तीनों formula के लिए हमें raw material ready करना है. तो हमें क्या क्या चाहिएगा? हमें सबसे पहले चाहिएगा P1 Q0, हमें दूसरा चाहिएगा P0 Q0, हमें तीसरा चाहिएगा P1 Q1 और last one हमें चाहिएगा P0 Q1. हमने चारों के चार चीजें यहाँ पे लिख दी है, right? हमें जो जो चाहिए अब वापस से मल्टीप्लाई करना है. आपने पहले सीखा था P1 Q1 में हम क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई P1 कॉलम विद Q0 कॉलम, राइट? P1 Q0 के अंदर हम P1 और Q0 को मल्टीप्लाई करेंगे. चलिए तो पहले में मल्टीप्लाई होगा 22 into 5 दैट वुड बी 110, देन 7 into 10 दैट वुड बी 70, नेक्स्ट इज 90, देन 225, देन 648 एंड द लास्ट वन इज 24. आई नो थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, आप आराम से स्लो मोशन में एक एक कैलकुलेशन करते रहना. नेक्स्ट इज P0 Q0, यू हैव टू मल्टीप्लाई P0 कॉलम विद Q0 कॉलम. सो P0 है पहले में 15, Q0 है 5, दैट इज 75, नेक्स्ट का हो जाएगा 50, उसके बाद में 72, उसके बाद में 213.75 एंड द लास्ट वन 576 एंड 20. तो ये हो गया मेरा नेक्स्ट कॉलम P0 Q0. थर्ड वाला कॉलम है P1 Q1, ओके? वी आर मल्टीप्लाइंग P1 विद Q1, दैट इज 22 into 8. तो पहला वाला आ जाएगा 176, देन 105, देन 150, 375, 1080 एंड 30. एंड द लास्ट कॉलम, फाइनल कॉलम P0 Q1, मल्टीप्लाइंग कॉलम P0 बाय Q1. P0 है 15, Q1 है 8. 15 8 जा 120, देन 75, then again 120, then 356.25, then 960 and the last one is 25. अब हमें सबके सिग्मा निकालने हैं भैया, ऊपर का तो तैयार. देखो ये एक सिंपल से बात बताता हूँ, स्टैटिस्टिक्स में मिस्टेक होती है सिर्फ कैलकुलेशन की. अगर आपका अपने हाथों पे कंट्रोल है, कैलकुलेटर पे कंट्रोल है, आप फिगर्स को गलत कॉपी नहीं कर रहे हो, फिगर्स को गलत टाइप नहीं कर रहे हो, देयर आर नो चांसेस कि कोई आपके मार्क्स आपसे छीन सके, राइट? सो प्लीज थोड़ा सा कंट्रोल में रहना. इतना जोश में बताना है कि वाह मैंने ये निकाले, सम खत्म हुए, लेट्स फिनिश इट आउट, नो, टेक योर टाइम, राइट? टोटल करेंगे सबको वापस से, दैट वुड बी 1167 फर्स्ट का, 1006.75 सेकंड, 1916 वुड बी थर्ड वन, एंड 1656.25 वुड बी फोर्थ वन. हमारे पास चारों आ गए हैं. अब अगेन सिंपल सा, एकदम सिंपल सा हो गया हमारा चैप्टर. अब तो कुछ करना नहीं है. वी हैव ऑल द रॉ मटेरियल्स, IL, IP, IF तीनों के फॉर्मुलेज में हमें वैल्यू पुट करनी और हमारा काम खत्म हो जाएगा. ओके फाइन, तो मैं आपको इधर ही बता देता हूँ इस चीज को वापस से. लेट्स टेक इट आउट अगेन हियर. मुझे खाली फॉर्मुलेज पुट ऑन करने हैं और मेरे पास जगह यहाँ पे रहेगी. सो आई एम स्टार्टिंग विद फर्स्ट ऑफ ऑल द फॉर्मूला फॉर IL. IL का फॉर्मूला मैंने कहा था लास्ट पे, बेस क्वांटिटी सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 इनटू 100. हम बेस क्वांटिटी के साथ में करने वाले हैं. कहां गया, ये रहा, हाँ, हम बेस क्वांटिटी के साथ में करने वाले हैं हमारा पहला वाला, राइट? तो IL का कितना वैल्यू है हमारे पास, P1Q0 P1Q0 इज 1167 एंड P0Q0 P0Q0 इज 1006.75 into 100. When we multiply and solve them, so our answer is 115.92. This is my first answer, index number of last page. Next one, index number of Paschetts. Paschetts mein kya hota hai? Hum quantity lete current. Toh ho jayega sigma P1Q1 upon sigma P0Q1 into 100. Let's solve it out. Sigma P1Q1 hume diya hua hai 1916 aur नीचे वाला P0Q1 हमें दिया हुआ है 1656.25 into 100, राइट? अगर बाय चांस आपको नंबर्स देखने में प्रॉब्लम आ रही है, टेक ए स्क्रीनशॉट एंड ज़ूम इन आउट, ओके? तो आपको बेटर लगेगा. और अगेन मैं इसको सॉल्व करूंगा, 1916 डिवाइड बाय 1655.25 into 100, सो मेरा आंसर आ जाएगा 115.68. दिस इज माय इंडेक्स नंबर ऑफ Paschetts. एंड द लास्ट वन, इंडेक्स नंबर ऑफ Fisher. मैंने कहा था फिशर में पूरा फॉर्मूला मत लगाना, डायरेक्टली कर देना. हाँ, पूरा फॉर्मूला आप कब लगाओगे, जब आपको क्वेश्चन में IL IP निकालने को नहीं कहा है, आपको कहा है खाली हमें फिशर बताओ, तो IL IP निकालने में टाइम वेस्ट मत करना, फिशर का बड़ा वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर देना, ओके? बट इन दिस केस आई हैव IL एंड IP, तो IL into IP दैट वुड बी रूट ऑफ 115.92 मल्टीप्लाइड बाय 115.68. व्हेन आई एम सॉल्विंग देम तो मेरा आंसर आ जाएगा 115.8. And the sum is done. 5 mark आपकी जेब में, कोई नहीं रोक सकता है, बड़ा ही सिंपल सा रहेगा.
बड़ा इजी सा रहेगा, यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट, अगर आपको नहीं दिख रहा हो बिकॉज आई हैव शेयर्ड द स्क्रीन सो, बट इट इज इंपॉर्टेंट, मुझे यहां से देखना नहीं पड़े बार बार. ओके है, फाइन है. अब मोस्टली आपका चैप्टर पूरा हो जाता है, कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ टफ क्वेश्चंस रहेंगे जो मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा, बट फिलहाल के लिए आपने बेसिक सब कुछ सीख लिया है, देयर इज नथिंग लेफ्ट. एक सिंगल छोटा सा फॉर्मूला और है, राइट, वो फॉर्मूला भी मैं इस वीडियो में डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि उस छोटे से फॉर्मूले की एक न्यू वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है. सो एक लास्ट फॉर्मूला मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू एंड दिस चैप्टर. सो हमारा जो लास्ट फॉर्मूला रहेगा दैट वुड बी ऑल अबाउट वेटेड इंडेक्स. हमारा जो लास्ट फॉर्मूला रहेगा दैट वुड बी ऑल अबाउट वेटेड इंडेक्स. ये आखिरी लास्ट वन, राइट, प्रॉमिस लास्ट वन. सो वेटेड इंडेक्स क्या कहता है, कभी कभार क्या होता है कि हमें कुछ इंडेक्स नंबर को वेट देना पड़ता है. वेट्स क्यों देना पड़ता है, बिकॉज इन लाइफ एवरीथिंग डोंट हैव इक्वल इंपॉर्टेंस, राइट, एवरीथिंग लाइक एवरी एक्सपेंडिचर इज नॉट हैविंग इक्वल इंपॉर्टेंस. अगर आपके घर में खर्चे अलग अलग होते हैं, कुछ खर्चे होते हैं फूड पे, कुछ खर्चे क्लोथिंग पे, रेंट पे, एडुकेशन पे, अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस, so it is not fair to say that every expense is having equal importance. नहीं भैया, गलत बात है, एकदम गलत बात है. The expenditure of food is most important. Second can be the expenditure on education. Third can be the expenditure on rent. Fourth can be clothing or clothing. Fifth हो जाए, other miscellaneous fourth आ जाए. So every expenditure is having its own importance. इसलिए index number method, weighted index number method कहता है कि आप सब index को equal weightage मत दो, आप उनको अलग अलग weight दे सकते हो. इसलिए weighted index number का formula रहता है sigma IW upon sigma W. अगर आपको question में weights mention किए, आपको question में weights दिए हुए हैं, तो आप सीधा का सीधा वो उठा लो अगर दिए हुए हैं तो. कभी कभार अगर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंस या वेट्स दिए हुए नहीं हो तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा P0 into Q0, अगर दिया हुआ नहीं हो तो. इफ वेट्स आर मेंशन इन द क्वेश्चन डोंट बी क्रिएटिव, जो है फॉलो कर लो. पर अगर वेट्स या इंपॉर्टेंस, इसके नाम बदल सकते हैं ये लोग, कभी कभार ये लोग इंपॉर्टेंस भी बोलते हैं, डजंट मैटर, मींस द सेम, राइट. सो अगर वेट से इंपॉर्टेंस क्वेश्चन में दिया हो सेम टू सेम लिख दो, नहीं दिया हो यूज द फॉर्मूला P0 Q0. इंडेक्स नंबर का तो फॉर्मूला हमें पता ही है, जिसको बोलते हैं प्राइस रिलेटिव, P1 अपॉन P0 इनटू 100, जो मैंने यहां पर ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, दैट वुड बी द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग I, P1 करंट प्राइसेस, P0 बेस प्राइसेस, राइट. सिंपल है, फिर भी लगे आप एक सम कर लेते हैं, जस्ट वन सिंगल सम टू मेक द कॉन्सेप्ट कंप्लीटली गो एंड फाइन, खत्म कॉन्सेप्ट खत्म, उसके बाद में आगे उस पर डिस्कशन ही नहीं करना, वैसा कुछ कर लेते हैं. हमें दे रखा है एज ग्रुप, अलग अलग बच्चों की, 5 साल से छोटे बच्चों की, राइट. हमें दे रखा है उस एज ग्रुप के रिलेटेड पॉपुलेशन, कि उस एज ग्रुप में कितने कितने पॉपुलेशन होती है और उनमें कितनी कितनी डेथ है. 2003 में उस एज ग्रुप में कितने लोग मरे हैं, ये पॉपुलेशन जो है वो थाउजेंड्स में रहेगी. 2008 के अंदर कितने लोगों की डेथ हुई है वो हमें यहाँ पे दे रखा है, राइट. सो हम इसको अब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे. सो कमिंग टू इट, हमें दे रखा है पॉपुलेशन 10, 8, 48, 13 and 14. हमें दे रखी है डेथ 2003 की, हमें दे रखा है डेथ 2008 की. डेथ हमारे पास है, सो वो डेथ हमारे लिए करंट और बेस बन जाता है. जो करंट है 2008 वाला, वो हमारे लिए बन जाएगा P1 और ये हो जाएगा हमारे लिए P0. जो करंट है वो हो जाएगा P1, पुराना वाला P0. और पॉपुलेशन हमारे लिए बन जाती है वेट्स, क्योंकि इंपॉर्टेंस तो पॉपुलेशन के हिसाब से देंगे. जहां पॉपुलेशन कम है उसका इंपॉर्टेंस कम होगा, जहां पॉपुलेशन 48,000 है उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा होगा. तो जहां जितना पॉपुलेशन होगा उसको उतना इंपॉर्टेंस देंगे, इसलिए पॉपुलेशन हमारे लिए हो गया वेट्स. तो भैया वेट्स तो हमारे पास क्लियर है, तो W तो निकालने की जरूरत नहीं, W हमारे पास डायरेक्टली अवेलेबल है. हमें निकालना पड़ेगा I. I1 के लिए हम करेंगे P1 अपॉन P0 इनटू 100, मतलब 65 अपॉन 200 इनटू 100. तो मेरा पहले का आंसर आ जाएगा 32.5. अगेन दूसरे में P1 100 अपॉन 145 इनटू 100, तो मेरा आंसर आ जाएगा 68.97. तीसरे में 480 डिवाइडेड बाई 610 इनटू 100, सो मेरा आंसर आ जाएगा 78.69. 225 डिवाइडेड बाय 350, सो मेरा आंसर आ जाएगा 64.29. एंड द लास्ट वन 465 डिवाइडेड बाय 500, सो मेरा आंसर आ जाएगा 84.55. आई मुझे मिल गया, दिस इज माय आई, दिस इज माय डब्ल्यू. हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, राइट, और इसका आंसर यहां लिखना है. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फाइनल आंसर लिख देंगे IW में. लेट्स मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई बाय 32.5, इट गोज टू 325. 8 मल्टीप्लाई बाय 68.97, इट गोज टू 551.76. तीसरे का आंसर आएगा 377.12. देन नेक्स्ट वन 2443.12 एंड द लास्ट वन 1183.7.
तो हमने क्या किया, हमने आई डब्ल्यू पूरा निकाल दिया, दिस इज 2443 2443 एंड लास्ट वन इज 1183.7। अब मैं आई डब्ल्यू का सिग्मा करूंगा, आई डब्ल्यू का टोटल करूंगा, इट गोज टू 8280.6 खत्म, कुछ नहीं है। इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, आई डब्ल्यू कितना निकला है मेरे पास इंटू, इसमें इंटू 100 वगैरह मत करना क्योंकि ऑलरेडी वो इंडेक्स नंबर इंटू 100 हो चुका है। सो इसमें हो जाएगा सिग्मा आई डब्ल्यू है और सिग्मा डब्ल्यू मुझे निकालना पड़ेगा, दैट इज टोटल ऑफ पॉपुलेशन, टोटल ऑफ पॉपुलेशन इज 118। सो हम इसको डिवाइड करेंगे, दैट इज 8280.6 डिवाइडेड बाय 118, इंटू 100 मत करना, इंटू 100 हो चुका है, सॉल्व करने पे आंसर आएगा 70.17 एंड दैट वुड बी योर वेटेड इंडेक्स नंबर। एज पर इंडेक्स नंबर का जो बेसिक टॉपिक था वो सब क्लियर हो चुका है, एक लास्ट टॉपिक भी मैंने क्लियर कर दिया। हाँ, कभी कभार आपको एग्जाम में पूछते हैं फैमिली बजट मेथड, तो डोंट वरी, फैमिली बजट मेथड इज इंडेक्स नंबर ऑफ लास्ट पेज, राइट। जब भी पूछेंगे तो इंडेक्स नंबर ऑफ लास्ट पेज इज फैमिली बजट, अगर आपको पूछेंगे वेटेड इंडेक्स मेथड तो आपका फॉर्मूला होगा सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। इस केस में मुझे डब्ल्यू सीधा दे दिया है, अगर नहीं दिया हो तो आई कैन फाइंड इट आउट P0 Q0, मैंने आपको लिख के दिया यहाँ पे, अगर नहीं दिया होगा तो आई कैन फाइंड इट आउट यूजिंग P0 Q0 करके मैं निकाल सकता हूँ वेट्स को भी। सो गाइज, दिस वॉज द एंड ऑफ आर चैप्टर इंडेक्स नंबर। हमने हर टॉपिक कवर किया है, हमने हर टॉपिक के एक एक सम्स भी किए हैं। एक फाइनल वीडियो और मैं बनाऊंगा इस चैप्टर के लिए, जिसके अंदर मैं इस चैप्टर के सब भारी भारी क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशंस, एक्सरसाइज सब मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, जिसके अंदर क्या लॉजिक है, क्या कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताता रहूंगा, राइट। बट फिलहाल के लिए चैप्टर डन हो गया हमारी तरफ से। अब मेरे हिसाब से आप चाहो तो पूरा चैप्टर स्टार्ट से लेकर एंड तक फिनिश कर सकते हो, जितनी बार रिविजन करना हो कीप गेटिंग गो थ्रू द वीडियो, बार बार वीडियोस देखते रहो, चैप्टर्स को अच्छे से कवर करते रहो, ठीक है। आपको कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वेरीज हो, डोंट वरी, जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में उनको सॉल्व करने की।